हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो गाइस, थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल पे विजिट किया। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज पूरा चैनल विजिट करिए। इसमें आपको काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी जो डे टू डे बेसिस में आपको आपकी व्हीकल के फीचर्स एकदम अच्छे से समझने में और उनको यूज करने में हेल्प करेंगे। ये सब फीचर्स देखने के बाद अगर आपको वीडियोस यूजफुल लग रहा है तो अगेन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। तो जैसा कि आपने आज का कैप्शन देखा, आज का वीडियो होने वाला है एक यूज्ड टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा कि गाड़ी में फीचर्स काम कैसा करता है, उसके अलावा मैं बहुत अच्छी कंडीशन में अगर यूज्ड कार मेरे को सर्टिफाइड मिल जाती है तो वो भी मैं पोस्ट करता हूं मेरे चैनल पे। सो उसी तरीके से ये आज जो गाड़ी मिली है बहुत स्पेशल व्हीकल है। मैं आपको स्टार्ट में ही बोल रहा हूं, अगर आपको यूज्ड कार लेना है, यूज्ड फॉर्च्यूनर लेजेंडर लेना है, तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। उसका रीजन देता हूं मैं क्यों, ये थ्रू आउट द वीडियो आपको पता चल जाएगा कि क्यों इससे अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर आपको मैं दिखा रहा हूं आज के इस वीडियो में, ये है टोयोटा यूट्रस्ट के पास। अब जो टोयोटा यूट्रस्ट होता है, बेसिकली ये टोयोटा का यूज्ड कार डिवीजन है जो ऑल ओवर इंडिया आपको टोयोटा के जो डीलरशिप्स होते हैं, ऑथराइज्ड डीलरशिप, उनके साथ ये एक यूज्ड कार का भी उनका चेन रहता है, ठीक है। अब ये जो यूज्ड कार यूट्रस्ट का है, इससे अगर आप गाड़ी लोगे तो आपको एडवांटेज क्या मिलता है, तो जब आप यूट्रस्ट से गाड़ी लेते हैं तो आपको ये सर्टिफाई करके गाड़ी मिलती है, और जब सर्टिफाई करके आपको गाड़ी मिलती है तो यूज्ड कार पे भी आपको वारंटी मिलता है। हालांकि ये गाड़ी तो 2021 की है, अब ये गाड़ी क्योंकि 2021 की है, इस केस में एक्सटेंडेड वारंटी लिया हुआ है, तो ये गाड़ी में आपको 5 साल का वारंटी बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। और जो वारंटी होता है टोयोटा में न्यू कार का, वो ट्रांसफर करने के साथ ट्रांसफरेबल भी होता है, तो इसमें तो आपको वारंटी का कोई इशू है ही नहीं। कितना वारंटी है, कब तक वारंटी है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको ये वीडियो में देता हूं। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये यूज्ड कार जो टोयोटा का मैंने बताया, ये टोयोटा लकोजी मलाड में आपको देखने मिलेगी मुंबई में। ये MH01 रजिस्टर्ड गाड़ी है, नंबर भी बहुत अच्छा है इसका, VIP नंबर है, ठीक है। तो चलिए अब ये गाड़ी देख लेते हैं। तो जैसा मैं बता चुका हूं आपको, 2021 का फॉर्च्यूनर है ये लेजेंडर। ये आप अगर किलोमीटर्स देखेंगे तो 19,000 चला हुआ है, 19,000 किलोमीटर्स चला हुआ व्हीकल है, और इसमें 5 ईयर्स तक का वारंटी ऑलरेडी लिया हुआ है। तो 2021 से अगर आप काउंट करेंगे तो 2026 तक का ये गाड़ी आपको वारंटी में मिल जाता है। तो 2026 तक या 1,00,000 किलोमीटर जो भी पहले होगा तभी तक का आपको ये गाड़ी में वारंटी मिल जाता है। अब ये लेजेंडर 4x2 वेरिएंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेजेंडर ऑटोमेटिक में ही आता है। इसमें बहुत अच्छा इंटीरियर आता है, आप देख सकते हैं स्पोर्टी ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको देखने मिलता है। अब ये जितने भी फीचर्स इसमें, जैसे आइडल स्टार्ट स्टॉप हो गया, इको नॉर्मल स्पोर्ट्स मोड हो गया, ये सब का वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अब ये जो गाड़ी है, इसका जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस भी अभी रेन्यू किया हुआ है, 0 depreciation इंश्योरेंस इसमें आपको मिल जाएगा जो पूरे साल भर के लिए वैलिड है। तो इसमें आपको इंश्योरेंस का भी कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस भी पूरे साल का वैलिड है, उसका भी कुछ खर्चा नहीं है। अब क्योंकि आप ये गाड़ी यूज कार यूट्रस से ले रहे हैं, इसमें आपको 3 free service भी मिलता है। अब जो फ्री सर्विस मिलेगा, इसमें लेबर फ्री होगा, जो भी पार्ट्स का कॉस्ट लगेगा, पार्ट्स का आपको बैर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस गाड़ी को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसमें एक्सेसरीज क्या क्या लगी हुई है। तो अगर मैं इंटीरियर में आपको दिखाऊं तो इसमें बहुत प्रीमियम 7D मैट्स लगे हुए, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कर्टन्स सभी विंडोज पे लगे हुए। अब ये जो कर्टन्स है ये RTO अप्रूव्ड है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें आप अगर देखेंगे इधर पे काफी अच्छा हेडसअप डिस्प्ले भी लगा हुआ, यहां पे भी आपको डिजिटल और आप एनालॉग दोनों स्पीड देख सकते हो। अगर आपको विदाउट आई ब्लिंक किए रोड पे से नजर हटाए बिना स्पीड देखना है तो आपको यहां पे हेडसअप डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। ऐसी काफी सारी एक्सेसरीज एक्सटीरियर में भी लगी हुई है, सब जेन्युइन एक्सेसरीज लगी हुई है। मैं आपको बाहर से गाड़ी भी दिखा देता हूं और एक्सेसरीज भी दिखा देता हूं, और लास्ट में गाड़ी का प्राइस भी मैं डिस्क्लोज कर दूंगा। सो गाइस, आपके सामने है 2021 की फॉर्च्यूनर लेजेंडर। जैसा आप देख सकते हैं, आप सभी को पता ही होगा कि फॉर्च्यूनर एक ही कलर में आता है, पल वाइट और ब्लैक रूफटॉप के साथ, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। काफी अच्छे इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्नेचर DRL साथ है, व्हाइट LED फॉग लैंप भी LED आता है। और इसमें अब मैं एक एक एक्सेसरीज आपको बता देता हूँ। तो ये जो फॉर्च्यूनर डैश आप देख सकते हो बोनट पे लगा हुआ है, ये भी एक्सेसरीज है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसमें एलॉय व्हील्स 18 इंच का डुअल टोन आ जाता है, जो आप देख सकते हो। अब इसमें यहाँ पे फेंडर पे क्रोम लगा हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त साइड प्रोफाइल अगर देखेंगे स्पोर्टी बना देता है गाड़ी की। डोर हैंडल भी अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम सराउंड जो एक्सेसरीज है उसमें मिल जाता है। अब इसमें जेन्यून आप देख सकते हैं डोर वाइजर्स भी लगा हुआ है। आप अगर हेडलैम्प्स या टेल लैम्प्स भी देखेंगे तो टेल लैम्प पे भी यहाँ पे आपको क्रोम जो सराउंडिंग है वो मिल जाता है, ये सिर्फ रियर में लगा हुआ है। अब यहाँ पे भी आप अगर नोटिस करेंगे तो ये एक एडिशनल यहाँ पे रेड कलर का एक एक्सेसरीज लगा हुआ है, जो आप देख सकते हो।
यहाँ पे जेन्यून रियर बम्पर फुटस्टेप भी लगा हुआ है, तो जैसे आप लगेज चढ़ाते उतारते उससे भी यहाँ पे कोई स्क्रैचेस होएगा नहीं। सो ओवरऑल अगर आप गाड़ी देखोगे सभी साइड से बहुत अच्छी स्पीक एंड स्पैन है। सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि आपको गाड़ी में वारंटी भी मिल रहा है, वारंटी के साथ साथ आपको सर्विसेज भी फ्री मिल रहा है। सो होप आपको गाड़ी पसंद आई हो। किलोमीटर भी कम है। अब इसका जो प्राइस है ये 46 लाख रुपीस आस्किंग है। न्यू व्हीकल अराउंड 53 लाख रुपीस की हो गई है 4x2 लेजेंडर, और इसमें आप देख सकते हैं एक्सेसरीज भी काफ़ी लगा हुआ है। तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बात कर सकते हैं। गाड़ी अगर आपको देखना है, टेस्ट ड्राइव लेना है, तो आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको गाड़ी दिखा भी देंगे। सो होप आपको वीडियो और गाड़ी दोनों पसंद आई हो। कुछ भी अगर डाउट है आप कमेंट करिए, डेफिनेटली उसका भी मैं आंसर आपको कर दूंगा। थैंक यू सो मच।